हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपके सामने गौरव मिगलानी। इस वीडियो में जो मुद्रा अब हम सीखने जा रहे हैं, दैट इज श्वसनी मुद्रा, जिसको हम ब्रोंकाइटिस मुद्रा भी कह सकते हैं। अब ब्रोंकाइटिस मुद्रा दिन में कितनी बार करनी है और इस मुद्रा को करने से हमें क्या बेनिफिट्स मिलते हैं, ये सब जानने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि ब्रोंकाइटिस होता क्या है। ब्रोंकाइटिस के अंदर हमारी जो श्वासों की नली है, मतलब जो सांस लेने की जो पाइप होती है, उसमें सूजन आ जाती है। फेफड़ों की सांस लेने की कैपेसिटी में कमी आ जाती है। फेफड़ों में सांस या ऑक्सीजन हम ज्यादा टाइम तक रोककर नहीं रख सकते। अब सांसों की नली में सूजन किसी भी वजह से आ सकती है, बैक्टीरिया की वजह से, वायरस की वजह से, स्मोकिंग करने की वजह से, या स्मोकिंग करने वाले लोगों के साथ रहने की वजह से, या केमिकल वाला पॉल्यूशन लेने की वजह से, या ऐसी जगहों पर बार बार जाने की वजह से जहां पर पोल्यूशन बहुत ज्यादा होता है, धूल बहुत ज्यादा होती है। अक्सर देखा जाता है कि जिस पर्सन को ब्रोंकाइटिस का प्रॉब्लम है, उसको खांसी के साथ साथ हैवी या गाढ़ा बलगम भी आता है। वो गाढ़ा बलगम कभी कभी जिसमें खून की शिकायत भी हो सकती है। 90% केसेस के अंदर इस टाइप के लोग अपने डॉक्टर से कंसल्ट भी करते हैं, पर अगर आप चाहें तो घर पर रहकर भी इसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं, जिसको हम ब्रोंकाइटिस मुद्रा के नाम से भी जानते हैं। तो ब्रोंकाइटिस मुद्रा को बनाना बहुत आसान है, बट ब्रोंकाइटिस के अंदर कुछ सिम्टम्स भी आते हैं, कुछ लक्षण भी होते हैं। ब्रोंकाइटिस रियलिटी में दो टाइप का होता है, एक को हम बोलते हैं एक्यूट ब्रोंकाइटिस और दूसरे को बोलते हैं क्रोनिक ब्रोंकाइटिस। दोनों टाइप के ब्रोंकाइटिस के अंदर कुछ लक्षण होते हैं, जैसे गले में खराश, थकावट होना, हम थोड़ी सी मेहनत वाला काम करते हैं तो सांस लेने में दिक्कत आने लगती है, नाक में जमावट या नाक भरा भरा रहना, फीवर होना, बॉडी पेन रहना, वोमिटिंग, लूज मोशन। ब्रोंकाइटिस के अंदर बार बार इंफेक्शन भी होता रहता है, सांस लेते हुए सीटी या चीख की आवाज भी आ सकती है। टखने, पैर या पैर की सूजन या दोनों तरफ की सूजन भी रह सकती है। सिर दर्द होना, तो ये सारे लक्षण कहीं ना कहीं ब्रोंकाइटिस में रहते हैं। तो ब्रोंकाइटिस का उपचार आप चाहे तो घर में भी कर सकते हैं। ब्रोंकाइटिस के जो मुद्रा मैं आपको बताने जा रहा हूं, ये मुद्रा आपको दिन में 5 बार करनी है। कितनी बार? 5 बार। कितने कितने मिनट्स के लिए? 5-5 मिनट्स के लिए। यस, ब्रोंकाइटिस की ये मुद्रा दिन में 5 बार करनी है और कितने कितने मिनट्स के लिए? 5-5 मिनट्स के लिए। ब्रोंकाइटिस मुद्रा का जब आप प्रैक्टिस करते हैं तो जो फेफड़ों में या श्वास की नली में जमी हुई बलगम है, वो बलगम बाहर आनी स्टार्ट हो जाती है। श्वासों के जो भी रोग है वो भी सोल्व होने स्टार्ट हो जाते हैं। सांसों की नली को सफाई करने में ये मुद्रा बहुत हेल्प करती है। अब बात आती है कि हमें ब्रोंकाइटिस मुद्रा का प्रैक्टिस करना कैसे है। ब्रोंकाइटिस मुद्रा के लिए हमें क्या करना है, इंडेक्स फिंगर को खुला रखना है और जो हमारी मिडल फिंगर है उसको हमें अंगूठे से टच कराना है और जो हमारी रिंग फिंगर और लिटिल फिंगर है उसको हमें बंद कर लेना है। तो ये हमारी बन गई ब्रोंकाइटिस मुद्रा। ब्रोंकाइटिस मुद्रा में क्या किया, ध्यान से देखिए। मैंने मिडल फिंगर को अंगूठे के टॉप पॉइंट से टच कराया है, रिंग फिंगर और लिटिल फिंगर दोनों को बंद कर लिया है और जो हमारी इंडेक्स फिंगर है हमारी खुली रहेगी। आप इस मुद्रा को दोनों हाथों से बना सकते हैं। इस मुद्रा को हम बोलते हैं ब्रोंकाइटिस मुद्रा या श्वसनी मुद्रा। इस मुद्रा का प्रैक्टिस आपको दिन में 5 बार करना है, 5-5 मिनट्स के लिए। ये मुद्रा आपके भीतर जमे हुए कफ को, जो हमारा बलगम है, उसको साफ करने में काम आता है। श्वासों की जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, उन सारी प्रॉब्लम्स को सोल्व करने में भी काम आता है। तो आपको मुद्राओं के और भी लिंक दिए हुए हैं, आप चाहें तो उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं।